विधानसभा क्षेत्र से जनता द्वारा पंचायती उम्मीदवार के तौर पर नयनपाल रावत निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि नयनपाल रावत ने करीब आधा दर्जन गांव का दौरा किया, जहां उनको लोगों ने भारी जन समर्थन के साथ साथ ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। निर्दलीय उम्मीदवार नयनपाल रावत ने अपने चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान गाँव बुखारपुर, जुनेड़ा, शाहजापुर, शाहपुर, खादर, दूलेपुर और मोटका नगला में लोगों से संपर्क करा और वोट डालने की अपील भी की। ग्रामीणों से समर्थन के लिए भी उनका धन्यवाद किया। नयनपाल रावत ने जैसे ही जनसभा में अपना भाषण शुरू किया, वैसे ही बुजुर्ग की आंखों में आंसुधारा बहने लगी। माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। साथ ही लोगों ने नयनपाल रावत को जिताकर भेजने का वायदा किया। इस मौके पर प्रत्याशी नयनपाल रावत ने कहा कि उनको क्षेत्र की 36 बिरादरी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता उनकी जमानत तक जब्त करा देगी। देखिए, जन समर्थन की तो बात यह है, जन समर्थन के लिए तो आपका कैमरा बोल रहा होगा, आपके पास फोटो है, वीडियो है। इतना अपार जन समर्थन, मैंने भी 3 चुनाव लड़े हैं, कई चुनाव लोगों को लड़ाए हैं, एमपी के चुनाव भी देखे, एमएलए के चुनाव भी देखे। इतना अपार जन समर्थन, और ये केवल जन समर्थन नहीं है, ये एक भावना है लोगों की, जो टिकट कटने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे धोखे से टिकट काटी है, षड्यंत्र के तहत टिकट काटी है, ये उसका एक रोष है। और उस रोष के तहत ऐसा लगता है कि सारा अगरतला विधानसभा वोट मांगने के लिए क्षेत्र में निकल चुका है। हजारों की भीड़, कई कई हजार लोगों की भीड़ एक एक जगह इकट्ठी हो गई है, और आप अपने बेटा और यहाँ के सेवादार नयनपाल रावत को जिताने का संकल्प ले चुकी है। आप राजपूत समाज से हैं और भाजपा का जो टिकटहारती है वो भी राजपूत समाज से है, कितनी टक्कर समझते हैं? देखिए, मेरा कोई एक समाज नहीं है, मैंने जन्म बेशक से राजपूत समाज में लिया है, लेकिन मैं 36 बिरादरी का बेटा हूँ, 36 बिरादरी का सेवादार हूँ, इसलिए मेरे पर राजपूत केवल राजपूत बिरादरी का ठप्पा नहीं है। जहाँ तक राजपूत बिरादरी की बात है, टोटल राजपूत बिरादरी और बिरादरी के साथ साथ ब्राह्मण, जाट, अन्य सारी सातों जात नयनपाल रावत का साथ देने के लिए खड़ी हो गई है। 36 बिरादरी नयनपाल रावत का साथ दे रही है, और निसंदेह चंडीगढ़ पहुंचना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी मुश्किल बात है।